इन तस्वीरों को देखकर धोखा मत खाइए। इन पहाड़ों पर ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही और ना ही घोड़े पर सवार कोई राजा जा रहा है, ना ही शिकारी। ये एक गरीब व्यापारी है, ये कोई हाल फिलहाल का व्यापार नहीं। गरीबी की मार ऐसी कि 50 वर्षों से घोड़े पर ही ऐसे ये व्यापारी व्यापार करते आ रहे हैं। एक तरफ जहां देश में बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी घोड़े के सहारे व्यापार कर पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में कुछ लोग ऐसे ही जीवन यापन कर रहे हैं। पर चल रहा है सर, इसी पर चल रहा है। हाँ, इसी पर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग की काम करके ले जाते, दूसरे एक से कमाते हैं, उसी में अपना काम चलाते हैं किसी तरह, समझे ना। इसको क्या खिलाते हैं घोड़ा को? घोड़ा का चना खिलाते हैं, कभी कभी दरिया खिलाते हैं, कभी गुंडा खिलाते हैं, कभी भूसा खिलाते हैं, इसी तरह खिला करके किसी तरह जीविका चलाते हैं। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के पहाड़ों पर आज भी घोड़े पर सवार होकर व्यापारी व्यापार कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पहाड़ों में बसे आदिम जनजाति के लोग घोड़े के सहारे ही पहाड़ पर चढ़कर खेती करते हैं और उसे बाजारों में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। उसमें देखिए, हम लोग के वहाँ साधन नहीं है, इसलिए हम लोग घोड़ा से फसल वगैरह, जैसे धान हुआ, चावल हुआ, बरबटी हुआ, अरहर हुआ, जैसे मकई हुआ, ये सब हम लोग उसमें लोड करके नीचे लेके जाते हैं और ऊपर बाजार से जैसे चावल हुआ, हम लोग सब्जी वब्जी उसमें लोड करके लेके आते हैं। साधन है नहीं है, उसी में हम लोग ये कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई काफी ज्यादा होने की वजह से मोटरसाइकिल के जरिए यहाँ व्यापार करना संभव नहीं, और इसी वजह से आज भी क्षेत्र के आसपास के लोग घोड़े के सहारे ही अपनी जिंदगी चला रहे हैं। वही जिसे मिलता है, बरबटी मिलता है, सुथरी मिलता है, बजरा मिलता है, वही सब खरीदते हैं। हाँ, खरीद करके अपना बेचते हैं बाजार में ले जा करके, पैसा जो भी इनकम होता है वही सब देते हैं, खाते हैं हम लोग इनकम के अनुसार। कितना दिन से घोड़ा पर व्यापार कर? घोड़ा हम 50 वर्ष से हो गया, 50 सालों से। आप 50 साल से हो गया। कितना ऊँचाई तक जाते हैं इसमें? इसमें कम से कम तो हम 150 से 150 फीट ऊँचाई जाते हैं। अच्छा, क्या उस जगह बाइक नहीं पहुंचता है? बाइक नहीं पहुंचता है। आदिम जनजाति के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक विकास की किरण नहीं पहुंची है और लोग ऐसे ही जीवन गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। न्यूज़ बायोस्कोप के लिए पाकुड़ से संजय कुमार सिंह की रिपोर्ट।